दोस्तों वेलकम टू द चैनल क्विज सरकारी। मेरा नाम है आकाश ईश्वर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जनरल अवेयरनेस, जीएस या जीके सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये एक ऐसा सेक्शन है हमारा जो जीएस सेक्शन है कि आप 5 मिनट में पूरे 50 नंबर ले सकते हो। ठीक है, ये इतना टफ है कि लोगों के 10-15 मार्क्स आते हैं स्टार्टिंग में, बट आप इजिली 35+ मार्क्स ले सकते हो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। मैंने खुद 100 वीडियो देखी हैं, खुद भी प्रिपेयर किया है, खुद भी मार्क्स लिए हैं, तो मैं इसी वजह से आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एसएससी में इस सेक्शन में। ठीक है, और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जीके या जीएस सेक्शन है इसमें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें सिलेबस इतना वाइड है, अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो आप अपना एफर्ट कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हो। मैथ्स और इंग्लिश पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो 250 हैं आउट ऑफ 700 मार्क्स इन एसएससी सीजीएल प्रोसेस या जो भी एसएससी का एग्जाम है। बाकी सेक्शंस थोड़े श्योरिटी से आपको मार्क्स देते हैं, बट आप जीके को छोड़ के नहीं जा सकते। 50 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो। ठीक है, तो आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देख के थोड़ा लिमिटेड चीजों को प्रिपेयर करना है, बट बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आपके सोर्सेस बड़े लिमिटेड रहेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका जीके या जीएस सेक्शन है इसमें सबसे मेजर चीज क्या है, स्टैटिक जो पार्ट है ना इसका, लाइक आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, जो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, इसको हम क्या कह देते हैं, स्टैटिक पार्ट। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए अगर आपने ले रखी है कोचिंग, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स है ना जो, उसी को प्रिपेयर करें जो भी आपको टीचर पढ़ाता है। हर दिन आप इसको रिवाइज करें, जो मेजर चीजें हैं उनको अंडरलाइन करें। ठीक है, इस तरह आप अपना पूरा सिलेबस जब तक टीचर नहीं कवर कराता, हर दिन आके पढ़ो, रिवाइज करते रहो, उसको अच्छे से याद करो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोचिंग नहीं ले रखी फिर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक मतलब एसएससी का रामबाण है जीके का। ठीक है, ल्यूसेंट्स जीके करके बुक आती है, आप सबको पता होगी जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो ल्यूसेंट्स जीके करके बुक है इसमें हर एक सेक्शन है और ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में है, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मान लो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हो, सभी सेक्शन इससे पढ़ सकते हो। आप मान लो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हो तो आप हिस्ट्री पे आओ, एक बार रीडिंग करना स्टार्ट करो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। एक बार आप सारी रीडिंग इसकी कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे, आपको कुछ कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेंगी, बट एक बार आप इसको रीडिंग करके खत्म करो। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इस वाली बुक पे। ठीक है, एसएससी जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर 1999 से 2017 किरण की बुक आती है। इसमें आपको ना सेक्शन वाइज आपको दूसरे सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री के इन्होंने सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर में डाल दिए, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर अलग है, पॉलिटी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, ठीक है, इकोनॉमी अलग है, फिजिक्स अलग है, बायोलॉजी अलग है, सब कुछ सेक्शन वाइज इन्होंने इसमें बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोचिंग वाले हो आपको नोट्स अपने पढ़ने हैं, अगर आप कोचिंग वाले नहीं हो आपने ल्यूसेंट्स जीके से पढ़ना है चैप्टर को, उसके बाद आप आ जाओगे इस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली बुक पे। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन इसका गो थ्रू कर लो, उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यू का इसमें, उसको खुद से अटेम्प्ट करने की ट्राई करो, और अगर नहीं हो तो फिर आप पीछे जाके आंसर देखो और उसका डिटेल्ड आंसर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, आसपास का भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे एसएससी रिपीट भी करता है, बट आसपास का क्वेश्चन आने के भी काफी चांसेस रहते हैं, तो पीछे जाके डिटेल्ड वर्जन भी पढ़ो उस आंसर का। ठीक है, ऐसे करके आप एक बार इससे बुक से कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, आपने अपना बेसिक कवर कर लिया अपने नोट से ट्यूशन वाले या फिर ल्यूसेंट से, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, फिर आपको क्या करना है, इस साइकिल को रिपीट करते रहना है। आपको कम से कम 3 बार अपनी ये जो प्रीवियस ईयर वाले बुक है ना, हर सेक्शन 3-3 बार आपको खत्म करना है। दूसरा, आपको ये जो ल्यूसेंट्स जीके है इसको भी आपको रिवाइज करना है 2-3 बार कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा आपको कुछ याद करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी बार रीड करोगे चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी, जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप क्लिक कर पाओगे उसको। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको इसमें आने नहीं वाली। अच्छा, एक और चीज है कि अब स्टैटिक हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं, स्टैटिक आपकी जो जीके है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है उसमें दो चार से क्वेश्चन मेजरली आते हैं, बहुत ज्यादा आपके इसमें क्वेश्चंस नहीं होते, तो आपका मेजरली तो साइंस हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है, बाकियों में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक और मेजर हिस्सा है जो कि काफी फोकस में आ रहा है आफ्टर द टीसीएस
कमिंग इनटू द एसएससी एग्जाम्स वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए आप कर सकते हो यार, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रेड अप करके जो कंपनी है जो कि अब बायजूस ने एक्वायर कर लिया, तो वो एक मंथली पीडीएफ निकालते हैं हर महीने की फ्री, जो कि 30-35 पेज की पीडीएफ है और उसमें वन लाइनर्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप आप कह लो। आपको मंथ एंड पे उसको रीड करना है अच्छे से, उसके बाद आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे। कहाँ से, ग्रेड अप से भी कर सकते हो, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो जैसे अड्डा 247 की ऐप है वहां से भी कर सकते हो, आप कुछ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट मंथली या डेली बेसिस पे कहाँ से कर सकते हो, और आप जीके टुडे की ऐप से कर सकते हो। तो ये काफी अच्छे सोर्सेज हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जीके टुडे, ग्रेड अप या बायजूस, जो भी कह लो एक ही कंपनी है अब ये, और आप अड्डा 247, इन्हीं जगह से जाके आप अपने कुछ एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हो एक बार वो मंथली पीडीएफ पढ़ने के बाद। इससे क्या होगा, और आपका अच्छा जो आपका ये है करंट अफेयर्स है वो कितने साल के एसएससी, अबाउट एक साल तक पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, बट हाँ आपके मार्क्स स्ट्रेंथन होंगे, ठीक है, डेफिनेटली स्ट्रेंथन होंगे। और जीके में सब स्कोर नहीं कर पाते तो आपको एक अच्छी लीड मिल सकती है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में आप 40-45 नंबर, 35-40 नंबर अगर ले पाओ तो बहुत जबरदस्त चीज है, बाकी लोगों के 10-15 मार्क्स आ रहे होंगे जहां पे आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जीके एक ऐसी चीज है जो बढ़ती चलेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में अच्छी होने वाली है। तो द हिंदू की जो न्यूज वाली ऐप है, आप उसमें होम सेक्शन को पर्सोनलाइज करके उसमें ऐसे टॉपिक्स ऐड कर लो जैसे कि इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल, ठीक है, डेली के पॉलिसी रिलेटेड, थोड़े बहुत पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े बहुत, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ठीक है, इन सब टॉपिक्स को आप ऐड करो ताकि आपको जनरल न्यूज एज एन एस्पिरेंट हर दिन की पता हो, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा एसएससी में आगे भी, लाइक टीयर 3 में, तो आपको हर दिन न्यूज पढ़ने की आदत रखनी है। होम पेज पे 10-15 जो बेसिक न्यूज है उनकी हेडलाइंस पढ़ लो, मैं नहीं कह रहा डीप में जाने, हेडलाइंस पढ़ लो, उससे भी आपकी जीके पर डे इनहांस होगी, आपको टर्मिनोलॉजीज पता लगेंगी, चीजें पता लगेंगी। और एक बार आपने ये ल्यूसेंट पढ़ ली, आपने ये सॉल्व पेपर वाली बुक कर ली, मॉक्स दोगे, मॉक्स में अच्छे से एनालाइज करो, मान लो आपने टेस्ट बुक के मॉक ले रखे हैं जो कि काफी फेमस हैं, किसी भी चलो आपने वेबसाइट के ले रखे हैं, आप उसके मॉक्स तो अच्छे से एनालाइज करो, जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है वो सारा पढ़ो, आपको लगता है वो आपको चीज नहीं पता उसको अपने नोट्स में जाके कहीं लिख लो, ल्यूसेंट से करते हो तो ल्यूसेंट में लिख लो, क्लास नोट्स में करते हो तो क्लास नोट्स में लिख लो, ठीक है, ताकि आप जब लास्ट में रिवाइज करोगे आप अपने नोट्स से करोगे, ऐसा तो है नहीं कि फिर भी आप ये क्वेश्चन सारे करके जाने वाले हो, तो अपने नोट्स में लिख लो ऐसे इन्फॉर्मेशन को जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं पता थी इन सब सोर्सेस से जो भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। और उसके अलावा आपके टेस्ट बुक पे जो प्रीवियस साल के क्वेश्चन हैं, जो सेक्शन वाइज पिछले साल पूछे गई है चीज़ें, और आपकी पिछले साल की चीज़ें हैं चैप्टर वाइज जो टेस्ट बुक ने खुद टेस्ट बनाए हुए हैं, सेक्शनल टेस्ट बनाए हुए हैं जीके के, आपको वो सारे करके जाने हैं। जितने क्वेश्चन करोगे उतना फायदा है, मैं मानता हूँ जीके में एसएससी टाइप पेपर में, मैं मानता हूँ कि डेप्थ से ज़्यादा ब्रेथ मैटर करती है, आपको चीज़ों में डीप तो नहीं जाना बहुत ज़्यादा, बट आप जितना चीज़ें वाइड कवर कर पाओगे वो ज़रूर मैटर करता है, ठीक है। तो दोस्तों यही थे मेरे कुछ सजेशन जीके जीएस रिलेटेड, मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी तो मुझे लगा मुझे इस पर एक स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको बहुत मजा आए जीके जीएस पढ़ने में, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट हाँ बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करता, जितने मैंने आपको लिमिटेड रिसोर्सेज बताए हैं बस इन्हीं को आप फॉलो करते चलो, आपके जरूर नंबर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर अपने फ्रेंड से शेयर करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, इससे ही मेरी मोटिवेशन बनी रहती है, तो और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो, थैंक यू।